बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी वेलकम बैक टू माय अनदर दोस्तों भाई और बहनों आदि और सजनों से स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। तो भाई आपको मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और हम आ चुके हैं फुल पावर में अपने खेतों की तरफ। और खेतों की तरफ क्यों आए हैं और कहना चाहूँगा कि आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम मधुमक्खी का छत्ता नीचे गिराने वाले हैं। और क्योंकि तो भाई बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि घर में बहुत दिक्कत चल रही थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ। तो मैं अगली ब्लॉग में ट्राइंग ब्लॉग लेके आऊँगा जल्दी ही। तो भाई आपका प्यारा सपोर्ट और आज की इस ब्लॉग में आपका प्यारा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि छोटे भाई को आगे बढ़ने के लिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो भाई तो चलते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरफ और जिस पेड़ पे है उस पेड़ की तरफ चलते हैं सीधा। तो पहले पेड़ की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे तुम्हें मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा है या छोटा है। तो भाई मधुमक्खी का छत्ता नीचे गिराने की अलग अलग टेक्निक होती है, क्योंकि आप लोग भी गिराते होंगे, क्योंकि हर गांव में हर शहर में कुछ अलग अलग टेक्निक होती है नीचे गिराने की। तो भाई हमारे यहाँ तो धुएँ से गिराते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप कैसे गिराते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो चलते हैं मधुमक्खी की पहले मधुमक्खी की पेड़ की तरफ। तो चलो चलते हैं मधुमक्खी की पेड़ की तरफ। तो भाई और बहनों और देवर सजनों, हम आ चुके हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरफ और पेड़ के नीचे आ चुके हैं। ये जो पीछे वाला का पेड़ दिख रहा है ना, इस पर ही मधुमक्खी का छत्ता। और हम इसे आग में डाल के जलाते हैं और इससे क्या होगा, क्योंकि इससे धुआं निकलेगा और धुएं से हम मधुमक्खी का छत्ता गिराते हैं। तो चलते हैं पहले इसको आग लगाते हैं और फिर पेड़ पे चलते हैं। और जैसे ही चढ़ेंगे और मधुमक्खी का छत्ता नीचे लाएंगे, तो नीचे लाते ही दिखाऊंगा तुम्हें। तो भाई मैं अकेला यहाँ आया हूँ मधुमक्खी का छत्ता निकालने नीचे गिराने के लिए। तो भाई इसलिए मैं पेड़ पे कैमरा नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलते इसको पहले आग लगाते हैं। तो चलो चलते इसको आग लगाएंगे। तो भाई और बहनों, हमने आग लगा दी है और ये बहुत ही ज़्यादा धुआं फेंक रहा है, क्योंकि तो चलते हैं सीधा पेड़ के ऊपर और नीचे गिराएंगे। तो चलो चलते हैं और इसके आग लगाते ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुआं फेंक रहा है और मधुमक्खी नहीं काटेंगे अभी। तो चलते हैं सीधा मधुमक्खी। तो भाई और बहनों, हमने मधुमक्खी का छत्ता नीचे गिराया है। तुम देख सकते हो काफ़ी बड़ा नहीं है, फिर भी छोटा है, लेकिन जो बाज़ार में शहद मिलता है ना, उसमें कोई ना कोई मिलावट होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं मिली है, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है, क्योंकि खाने में यही अच्छा लगता है। तो भाई सीधा चलते हैं अपने घर। और मैं आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सपोर्ट जरूर कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का प्यारा सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का प्यारा सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और तो भाई ज़रूर लाइक एंड शेयर सपोर्ट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।